एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी टेकन आयो
परम पूज धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जी दे पूरनिया ते चलदिया श्रीमान संत सुजान सिंह जी महाराज जी दे जो कीर्तन दी छैबरां लगियां उस दे सदके जिन्हां दा नितनेम बन गया एक बार सारे शुकराने विच जपो श्री वाहिगुरु। समा भावें कैसा अपने रंग दिखा रहा रोज समा अपनी चाल बदल लैंदा ते समय दे वस समय दे अधीन समा अपनी चाल बदलदा है इधर साडा जीवन पलट जांदा पर तन हन ओ जो समय नू पिछे सुट के ते भज के आके गुरु चरणा विच पावे एक शब्द दी हाजरी भर जान एक मिनट बैठ के गुरु चरणा नाल जुड़ जावन ते जप लैन श्री वाहिगुरु। कलगीधर पातशाह जी का वचन है सब को काल सबन को करता रोग सोग दोखन को हरता एक चित जे एक छिन त्यायो काल फास के बीच ना आयो। मन विच ए ना आवे परम आवे कि दीवान दा समा संकोचिया गया है किथे रात नू 11 बजे भोग पैना सीगा हुण 9 बजे पएगा। ओ गुरु की साजी निवाजी साध संगत जे एक छिन मात्र भी मन जुड़ गया ते फिर कोई काल दे अधीन नहीं काल दी फाही तो ओ मुक्त हो जावेगा। एक छिन वास्ते भी जे मन जुड़ जाए जुड़ना ते मन नू जिसदा मन जुड़ गया उसने एक छिन विच ही एक सेकंड विच ही उसनू आनंद सुख दी प्राप्ति हो गई फिर आत्मक सुख उसकी झोली पै गया वो फिर समय दे अधीन नहीं वो समय दी फाही तो परे है मुक्त है। समा कैसा भी क्यों ना हो पर जो आ गए हन गुरु दरबार विच पहुंच गए हन गुरु दी हाजरी भर रहे हन भावे एक मिनट सेकंड वास्ते भी वो गुरु दी मंजूरे नजर हेठ आ गए ते किसी ऐसी जुड़ी हुई रूह दे सदके फिर ये सारा समागम सफला हो जाता है। जो आप जुड़े है और अगा कईयां नू जोड़ रहे शब्द पढ़ रहे हाँ रे मन ओट लियो हर नम ये शब्द उच्चारण किया है धन गुरु तेग बहादुर साहब जी क्योंकि ये शताब्दी दे दिन आ रहे हैं मानो शताब्दी प्रारंभ है 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा ये शताब्दी दे दिन प्रारंभ हैं। आओ गुरु पातशाह जी नूं हिरदे ते वसाईए गुरु साहब जी का उपदेश दृढ़ कर लईए। हुणे वचन कर रहे सन कि बाणी सारी गुरु साहब जी दी बाणी मन नूं उपदेश है तन वास्ते नहीं है और अपने मन नूं समझाया दूसरे नूं नहीं कोई उंगल करके उपदेश दिता जो इस मरातबे ते चढ़े उन्होंने आत्म उपदेश किया अपने आप नूं आख्या। गुरु साहब आख रहे हैं रे मन मेरे मन
रे मन, रे दा भाव है मेरे मना, तेरे नहीं मेरे, मेरे मना की कल, ओट लियो हर नामा। और सारे पढ़िए, रे मन ओट ले हो हर नामा, रे मन ओट ले हो हर नामा, रे मन कुफरी दी धरती दे भाग जगा रहे सन धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज। ऐतवार दा दिन शिमले तो भी संगत आ गई, जिस विच बड़े सियाने, बड़े पढ़े लिखे अखबारां दे एडिटर, जज, वकील, बड़े सियाने बयाने बंदे, पर सन सारे वक वक मतां दे, वक वक सोच वाले। बाहर बैठ के सारिआं ने सलाह कीती, बाबा जी कोल बोलण दा सब नू अपना समा वखरा ते मिलना नहीं, क्योंकि बाबा जी गुरु की संगत जान के ते सबना दा सत्कार कर दे। पर की आंदे सन बई, असी सारा समा गुरु नानक साहिब जी नूं अर्पण कीता, ए ते गुरु नानक दी संगत जान के संगत नाल बचन कर लैने आ, पर मन इधर आंदा नहीं। जिन्हां दा मन गुरु नानक साहिब जी दे चरणा नाल जुड़िया है, वह की दुनिया दियां बातां करन, वह क्यों कोई अपना स्वास विरला अजाई जावन देन, जो जानते हैं कि एक एक सुवास की कितनी कु कीमत है, जे एक एक सुवास नाल जे कोई जप लवे श्री वाहे, ते इसका फल कितना है, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। साड़ियां चिंतावां क्यों नहीं मिटदियां, क्योंकि असी जपदे नहीं।
जे मन बिरती कागर करके जप लईए ते फिर सारियां चिंतावां दूर निवृत्त हो जाए। सबना ने भी सलाह कीती कोई ऐसा एक सवाल होवे जो सबना दा सांझा होवे। जिस वेले बुआ खुलिया सतनाम दा वाजा होया आ जाओ दरगाह दे दरवाजे खुल गए जिन्ना ने दर्शन करने हैं। जिस वेले सबना ने जाके बाबा जी दा दर्शन कीता ते दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। हुण कौन कोई कुछ बोले पर बाबा जी ने भेद खोलिया, भई प्यारे हो जे आए हो ते मैनू कोई समत बख्शो। समत देवन आए सना संसार नू निम्रता दे पूरने पाए, कोई मैनू समत दियो। हुण जिगरा पिया बोलण दा ते की सवाल पुछिया जी, संसार भव सागर तो पार उतरण दा की वसीला। बाबा जी मुस्कराए ते आख्या ठीक सियाणी बात कीती, क्योंकि ये सवाल सबना दा सांझा है। भावें कोई आर्य समाजी है, भावें कोई मोमन है, भावें कोई पढ़िया है, भावें कोई अनपढ़िया है, ये सवाल सारियां दे अगे खड़ोता। संसार पव सागर तो पार किंज उतरीए, आख्या मेरे कोलों पुछ दियो इसका जवाब। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पहला ही उचारण कर दिया जी, सानू पता नहीं, सानू समझ नहीं, पुछ के दस दियो। ते उदों धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने इस शब्द की व्याख्या की, रे मन ओट लियो हर नामा, मना नाम दी ओट ले। मेरे महापुरख मेरे महाराज जी आंदे सन बई संसार विच चखड़ चुलदे हन, कोई हनेरी चुल पैंदी है मिट्टी नाल भरी हो, फिर सियाने की करदे हन, पहला तां अखां मीट लैंदे हन मिट्टी अखां विच ना पै जावे, फिर जे हवा जोर दी वगे फिर किसे छत दे हेठां खड़ो जांदे। मी वर पवे कोई होर ओला लब लिया, फिर रस्ते पेंडे नू मंजिल मन विच है पर पेंडे नहीं पेंदे, आंदे हन कुछ चिर उड़ीक लैने। महापुरुख समझाउंदे सन बई संसार विच बड़े चखड़ चुलदे, देखो चुल ही रहा है ना, अपने घरां विच ही कैद होके बहना पै रहा। जे अपनी मर्जी नाल बहीए ते बड़े खुश हाँ, जे हुण उपरों हुक्म आ गया ते साडे कोल अंदर ब्याह नहीं जांदा। गुरु की संगत जपो श्री वाह, क्योंकि इस मन नूं बंदिश हेठां चलना आंदा नहीं। ये मन बंदिश हेठां तां चले जे गुरु का हुक्म मन्ने, जे गुरु के हुक्म हेठां चल पवे ना फिर सारे हुक्म इस नूं सौखे जापन लग पे। असी गुरु का हुक्म ही नहीं मनदे ते किसी बंदे दा की बात मन्नांगे। गुरु की संगत जपो श्री वाह, फिर असी हुक्म दी उलंघना करने हां, उलंघना करने हां ते फिर दुख पाने। आख्या गुरु के हुक्म नूं मन, गुरु का हुक्म है रे मन ओट लियो हर नामा, नाम दा ओला तक, नाम दा आसरा लै, नाम दे ओट तक लै। तक जिन्ना ने नाम दा आसरा लिया है जाके सिमरन दुरमत नासे। दुरमत एक है गुरमत ते एक है दुरमत, जो गुरु की मत लेगा तू गुरमुख बन जावेगा, जे दुरमत ते कहे ते चलेगा ते फिर मनमुख ते गोते खांदे ही हन संसार विच। गुरु की संगत जपो श्री वाह, जाके सिमरन
दुरमत नासे पावे पद निर्वाण। तेनू निर्वाण पद की प्राप्ति होवेगी। किस तरह महापुरख बाणी दे भेद खोलते हैं, किस तरह सानू बाणी ते चलन की प्रेरणा करते हैं, उपदेश देते हैं। गुरु साहब उपदेश दे रहे हैं, चलना ये साढ़े हाथ है। पंद कहना है काम नासे का, चाहे कोई सुने ना सुने, वक्त पे पेड़ फल देगा, चाहे कोई चुने ना चुने। गुरु की बाणी ता उपदेश दे रही है, पर कोई विरला भागा वाला इस बाणी ते पूर्णिया ते चलन दा जतन करेगा, बाणी दे अखरां नूं हिरदे ते वसाएगा। आओ वसावण दा जतन करिए सारे पढ़िए। संत जी आ गए हैं, संत पूरन सिंह जी आप जी ने हाल करेंगे। मैनू यही हुक्म होया सी जब तक आ जान तुसा करी जाना, तो आ गए हैं। साडा समा संपूर्ण हो गया। आओ बाणी दी पंक्ति पढ़िए ते समाप्ति करिए। रे मन ओटल हो हर नामा, 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 रे मन ओटल हो, रे मन ओटल हो, रे मन ओटल हो हर नामा, रे मन ओटल हो, ओटल हो, ओटल हो हर नामा, रे मन ओटल हो हर नामा, रे मन ओटल हो हर नामा। नामा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सत्कारयोग महापुरखां दा, संत नारायण प्रकाश सिंह जी दा, सारे परिवार दा, सारे जथे दा।